अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। अकिंजी ड्रोन, और अकिंजी ड्रोन ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बहुत सारे मुल्कों को और उस टेक्नीशियंस को, साइंटिस्ट को परेशान किया हुआ है। और बहुत ही कहते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी है और बहुत ही लीथल और ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है। और उनकी हमारे पास एक और वीडियो आई है और कहा गया कि उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, एक और ऐसा रिकॉर्ड, कोई ऐसा कुछ किया है उन्होंने, तो वो फौरन देखते हैं वो क्या चीज़ है। टेक्नो सवाना सिवाना सिवानमा Türk Savunma Sanayi Şirketi Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı yeni bir başarıya imza attı. Achieved a new success. From Istanbul to Baku. Oh! वहां से फ्लाई किए, ये रिकॉर्ड बनाया इसने। मैं सही हूँ, ये पॉसिबल नहीं लग रहा, ये कि ड्रोन इतनी दूर कैसे जा सकता है। टेक्नोफेस्ट अजरबैजान्दा है। टेक्नोफेस्ट, अच्छा टेक्नोफेस्ट में ये फ्लाई करके गया है, उड़ के गया है। ओह माय गॉड, टेक्नोफेस्ट है ना वहां पे, फेस्टिवल बाकू होता है। बाकू बहुत दूर है वहां से, इस्तांबुल से बाकू काफी दूर है, और एक ड्रोन कैसे जा सकता है इतनी दूर। इस्तांबुल से गया, हाँ इस्तांबुल से ये बाकू तक, और डिफरेंट कंट्रीज या सिटीज क्रॉस करते हुए। कंट्रीज क्रॉस की होंगी, जाहिर बात है बीच में कंट्रीज क्रॉस की होंगी, बीच में आजकल एक दो कंट्रीज तो आती हैं। तो इसके हम दे डायनामिक अलांदान kalkarak uçuş gösterileri yapacak olan 2 adet Bayraktar Akıncı TİHA uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a vardı. Festivale katılmak için 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalanan ilk Bayraktar Akıncı Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan'ı geçtikten sonra Georgia. Azerbaycan Akinji which entered Azerbaijan space after passing through Georgia. Hava sahasına giren Akıncı yaklaşık 5 saatte bakıyor. 5 घंटे मुसलसल फ्लाई करके, लेकिन 5 घंटे बात नहीं है, ड्रोन तो बहुत बहुत टाइम उड़ते हैं, लेकिन ये इतनी दूर कैसे गया है। Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci Akıncı da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2000 kilometrelik uçuşu başarıyla gerçekleştirdi. 2000 kilometer. Uçuşlarını başarıyla bitiren Bayraktar Akıncı TİHA'lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inerek tarihi yolculuğu tamamladı. Yes, historical journey. Böylece Türk havacılık tarihinde ilk kez... First time in history of Turkey aviation, ki koi drone jo hai itni dur gaya hai. Wow. Milli olarak geçtiğinden bir 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2000... Crossing 3 countries, 3 मुल्कों के ऊपर से, 3 मुल्क क्रॉस करके वो बाकू पहुंचे। तो जॉर्जिया क्यों बताया गया? वो जॉर्जिया की एयर स्पेस की साइड से जा रहा होगा ना। हमें चेक करते देख uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Okay. Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber 82 güdüm kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar Akıncı aynı zamanda Türk havacılık tarihinin irtifa rekorununa sahip bulunuyor. Wow. Test uçuşlarına devam eden Bayraktar Akıncı BTİHA 11 Mart 2022'de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 yükseklik çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı. Altitude kare. Wow. हाँ, ये तो क्लैप बनती है, जैसे हाँ इसकी क्लैप बनती है, और वाकई में ये बहुत ही बड़ी बात है। और मेरा फेवरेट है। हाँ, अफीरा का फेवरेट। हाँ, अफीरा इसको क्या कहती है, शार्क या डॉल्फिन? शार्क, डॉल्फिन, डॉल्फिन। हाँ हाँ। और ये किंजी जो है, ये हमने जब फर्स्ट टाइम भी देखा था हम लोग, जो है वो बहुत पसंद आए थे, इसकी शेप बड़ी अच्छी, शेप बहुत खूबसूरत ड्रोन है, और इसका और जितना खूबसूरत है, और जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। हाँ। और उतना ही ज्यादा ये रिकॉर्ड्स जो है ब्रेक करता जा रहा है। हाँ। तुर्की हिस्ट्री के, और ये टर्किश एविएशन हिस्ट्री का भी एक रिकॉर्ड बन गया कि 3 मुल्कों के ऊपर से जो है उड़ के वो बाकू में गया है, सोलो फ्लाइट उसने की है, 2000 किलोमीटर जो है उसने टेक जो फ्लाइट ली है,
और बड़ी बात है, और उसका जो हाइट भी थी वो बहुत ज्यादा थी, हाँ वो बादलों से भी ऊपर, काफी ऊपर वो उड़ रहा था। तो वेरी नाइस, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और कंग्रेचुलेशन तुर्की। क्यों फिर? यस 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 यस, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बिल्कुल हम इस और मैं क्या कहूँ, तेजी ने सब कुछ तो बता दिया। अब हम टेक्नोफेस्ट की वीडियोस भी देखेंगे, प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा। और कब से स्टार्ट है टेक्नोफेस्ट? मुझे लगता है कि स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, तो हमसे जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, हाँ थैंक यू सो मच। जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।